स्टूडेंट, आज हम आपको आरएस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 8C डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब 8C में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, राइट दी वैल्यू ऑफ 1 - sin² θ इक्वल टू sec² θ। इसको आप कैसे प्रूव, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 - sin² θ और फिर क्या लिखा हुआ, sec² θ। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, sec² θ। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप जानते हैं 1 - sin² θ इक्वल टू क्या होता है, cos² θ। क्या होता है, cos² θ। और sec² θ की वैल्यू क्या होती है, 1 cos² θ। ठीक है स्टूडेंट, 1 cos² θ ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अपने नोटबुक में अंकित करिए। ओके, अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा, देखिए स्टूडेंट दूसरा क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ 1 - cos² θ, 1 - cos² θ और cosec² θ। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, 1 - cos² θ की वैल्यू क्या होती है, sin² θ। क्या होती है स्टूडेंट, sin² θ। cosec² θ की वैल्यू क्या होती है, 1 sin² θ। क्या होता है स्टूडेंट, 1 sin² θ। कैंसिल आउट, इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि दूसरा सवाल भी आपका बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ 1 + tan² θ, 1 + tan² θ। ठीक है स्टूडेंट, और फिर क्या है, cos² θ। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए tan² θ की वैल्यू आप लिखिए। tan² क्या होता है, sec² θ इक्वल टू होता है 1 + tan² θ। तो tan² θ इक्वल टू हो जाएगा sec² θ - 1, sec² θ - 1 ये हो गया, और यहाँ पर cos² θ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया, फिर क्या रिमेनिंग हुआ आपका, sec² θ। क्या हो गया, sec² θ इंटू cos². ठीक है, sec² θ क्या होता है, 1 cos² θ। क्या था स्टूडेंट, 1 cos² θ, और ऊपर ऑलरेडी cos² θ है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखा आपने, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आप सही प्रकार से उसका प्रयोग करने जानते हैं, तो आप किसी भी सवाल को, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी सवाल को आप बहुत ही सरलता ढंग से हल कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा देखिए, चौथा राइट द वैल्यू ऑफ 1 + cot² θ। चौथा क्या है, 1 cot² θ, और फिर जो है ये sin² θ। क्या स्टूडेंट, sin² θ। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए cosec² θ इज इक्वल टू होता है 1 + cot² θ, cosec² θ इज इक्वल टू 1 + cot² θ। तो cot² θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec² θ - 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cot² θ की वैल्यू cosec² θ - 1। ठीक है, ये हो गया, और ये sin² θ ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये -1, ये +1 कैंसिल आउट, अब क्या हो जाएगा, cosec² θ। ठीक है, और sin² θ। ठीक है स्टूडेंट, cosec² θ 1 क्या होता है, sin² θ होता है ना, और ये sin² θ ऑलरेडी आपके पास है, तो ये आपस में कैंसिल आउट, इक्वल टू 1, ये हो गया आपका। ठीक है, देखा आपने, आपको फार्मूले याद है, तो कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का बहुत ही सरलतापूर्वक हल हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर, राइट द वैल्यू ऑफ sin² θ प्लस 1 - 1 + tan² θ। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए पांचवा का मैं आपको लिख रहा हूँ sin²θ। ठीक है स्टूडेंट, +1 - 1 + tan²θ, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, अब आप देखिए sin²θ, ठीक है, +1 - 1 + tan²θ क्या होता है,
साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है नहीं होता बच्चों? ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे इसको, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, एलसीएम लेने के बाद में क्या बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये बनेगा। अब इसके बाद आगे क्या बनेगा, आगे का पार्ट में इधर लिखता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को आर डी ऐसे रहने दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, प्लस वन बाई, अब आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, वन होता है। ठीक है, बाई क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे कॉस स्क्वायर थीटा ये ऊपर चला गया। ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ वन, इक्वल टू ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखा आपने, आपको फार्मूले याद होने चाहिए और आपकी सिंप्लीफिकेशन करने की प्रक्रिया जो है बार बार होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा कि पांचवा क्वेश्चन मैंने कर दिया। ठीक है, और छठवां पर आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए ये वैल्यू आपकी फाइंड करनी है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस वन बाई साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। ठीक है, अब आप साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे और ये क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को, और ये माइनस वन आपका ऑलरेडी ये बना हुआ है। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, ये वन और वन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बना आपका, अब ये देखिए दोनों इक्वल है इसलिए कैंसिल आउट, तो क्या आपका रिमेनिंग हुआ माइनस वन। ठीक है, माइनस वन ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आपको फॉर्मूले याद है बार बार आप प्रैक्टिस से बने हुए हैं तो इस प्रकार के सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, क्वेश्चन नंबर सेवन पर आइए। सेवन क्या है, साइन, हाँ सेवन का हो, आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए साइन थीटा, ये साइन थीटा और मतलब थीटा जो छूटा हुआ। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस नाइनटी माइनस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा और साइन नाइनटी माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था जब पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, देखिए कॉस नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है, कॉस नाइनटी माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा, साइन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है, साइन नाइनटी माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये आपको बच्चों याद होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू करने पर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। ठीक है, तो ये वन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आई, आज मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आप उसको थोड़ा पिकअप करिए। ठीक है, हमेशा जो है फ्लो में ही नहीं सीखने की जरूरत है, थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाइए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक पर लिखिए। ठीक है, अब आठवां देखिए। ठीक है स्टूडेंट, आठवां देखिए, आठवां क्या फाइंड करना है आपको, कोसेक स्क्वायर नाइन्टी माइनस थीटा, क्या है ये कोसेक स्क्वायर नाइन्टी माइनस
थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब आप देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, चाहे स्क्वायर यहाँ लाइए चाहे स्क्वायर यहाँ लाइए, दोनों बात बराबर होती है, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलिए, सेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ का स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको सेक थीटा हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब इसके बाद यहाँ आगे आइए, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है स्टूडेंट, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी आपके पास टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये आपका वन बच गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा आपने, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही सरलतापूर्वक आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, राइट द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा और ये वन माइनस साइन थीटा, ये है स्टूडेंट, अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को अभी आई जी रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को, अब आप देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर वन, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन बाय काफ स्क्वायर थीटा, क्या होता है स्टूडेंट, वन बाय काफ स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, काफ स्क्वायर थीटा, ठीक है, अभी दोनों आपस में कैंसिल आउट इज इक्वल टू वन आंसर, ठीक है। तो देखा आपने, अगर आपको फार्मूले याद है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है, बट कहाँ कौन से फार्मूले यूज करने हैं, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि कौन सा फार्मूला कब और कहाँ कैसे यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप जो है अपने नोटबुक पर लिखिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक स्क्वायर थीटा और फिर वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट, और वन माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, अभी वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर वन और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है स्टूडेंट, वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, या आपस में कैंसिल आउट इज इक्वल टू वन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉफ स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब इसको देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉफ स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जुबान पे याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो आप
करने में आपको बहुत ही कठिनाई होगी, सवाल आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, परंतु ये फॉर्मूले आपको हमेशा जुबान पे याद होने चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है, और फिर इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई, यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट में ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, धीरे करके मैं ऊपर लिखता हूँ। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई, अब चलिए देखिए इसको आगे, अब आगे देखिए स्टूडेंट। अब आप देखिए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, क्या होता है स्टूडेंट, वन होता है। तो वन बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी जो है वन होता है, तो वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका बना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू वन बाई साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको हर एक स्टेप लिखता हूँ, ठीक है, हर एक स्टेप लिख के आपको बताता हूँ, इसलिए आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है इसके बावजूद भी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज करिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा फिर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, इक्वल टू क्या मीनिंग हो गया आपका, वन हो गया, यही जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा आपने, अगर आपको फार्मूले याद हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस से बने हुए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का बहुत ही सरलतापूर्वक हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोटबुक में लिखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया गया, 11 किया गया। अब 12 आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। अब आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो है क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम आप ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये बना। अब इसके आगे क्या बनेगा, यहां तक तो बात समझ में आई, इसके आगे क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं, इसके आगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाई ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू आर ले दिया कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर दिया, ये आपस में कैंसिल आउट इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा आपने कि अगर आपको फॉर्मूले याद है उसका सही प्रयोग करना जानते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ओके, थैंक यू।